और क्या हाल है मेरे दोस्तों मैं आपसे भी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा तो अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आज श्वेता पाक बना है तरबूजे के बीज के द्वारा तैयार मिठाई जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा तरबूजे का बीज हेल्दी होता है आपने बहुत तरह की मिठाइयाँ बना के तैयार की होंगी एक बार आप इस मिठाई को बना लिए तो गर्मी के सीजन में ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी बहुत थोड़ी सी सामग्री के द्वारा ही मिठाई बन के तैयार हो जाती है इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है चलो दोस्तों हम आप इसको मिट के बनाना शुरू करते हैं तरबूजे के बीज के द्वारा तैयार मिठाई गर्मी में तरबूजा आपको मार्केट में हर जगह आसानी से मिल जाता है लेकिन ये जो तरबूजी का बीज है ये आपको मार्केट में हर सीजन में आसानी से मिल जाता है ढाई सौ ग्राम हमने तरबूजी का बीज लिया है जो पहले से मार्केट में छिला हुआ बिकता है किसी भी पंसारी की दुकान पे या फिर ऑनलाइन ये बीज दोनों जगह आपको आसानी से मिल जाते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है बहुत ही टेस्टी इसकी बर्फी बन तैयार होती है चलिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी कढ़ाई गर्म होके इसके अंदर तरबूजे के बीज को डाल देते हैं डालने के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है जब हम लो फ्लेम पे तरबूजे के बीज को भूनते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर तक सिक जाता है और साइज भी थोड़ा सा फूल जाता है तो भूनते हुए लगभग से चार मिनट हो गया गैस की फ्लेम को बंद कर देती है एक मिनट तक इसको इसी के अंदर हमने चला लेना है और इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया पूरे तरबूजे के बीज को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं दस मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो एक मिक्सी का जार ले लेते हैं जार के अंदर इसको दो बैच में हमने तैयार कर लेना है सबसे पहले आधे तरबूजे के बीज को हमने जार के अंदर डाल दिया और ढक्कन लगा के बढ़िया इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है एक बार की इसको हमने नहीं पीसना थोड़ा सा चला देना कुछ रुक के से के करते हैं। और इस तरह पाउडर की तरह बन के तैयार हो गया आधे को इसके अंदर निकाल देते हैं बचे हुए तरबूजे के बीज को भी हमने पीस के इसी तरह तैयार कर लेते हैं बीज को हमने पाउडर की तरह बना के तैयार कर लिया अब एक पैन ले लेते हैं ढाई ग्राम हमने तरबूजे का बीज लिया है इसके अंदर लगभग 100 से सवा सौ ग्राम के करीब हमने चीनी को डाल दिया जितना हम चीनी डालते उसके आधे हमने पानी डालना एक कटोरी चीनी डाला है इसके अंदर लगभग 50 से 75 एम हमने पानी का उपयोग किया है पानी को डाल के इसको गैस पे रख देती है और चलाते हुए जब तक इसके अंदर चीनी घुल नहीं जाती गैस की मीडियम फ्लेम करके चीनी को हमने घुलने तक पका के तैयार करना है इस तरह देखिए चीनी इसके अंदर घुल के घुलने के बाद सिर्फ दो मिनट तक इसको हमने और पका के तैयार किया अब इसके अंदर एक टेबल स्पून देसी घी डाल देती हैं देसी घी डाल के अच्छी तरह से मिला देती हैं चीनी के घुलने के बाद सिर्फ दो से तीन मिनट तक ही इस चाशनी को हमने पका के तैयार करना है अब जब हमने तरबूजे के बीज उसके पाउडर तैयार के पूरे पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं डाल के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके चलाते हुए पहले इसको हमने अच्छी तरह से मिला लेना है गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना है जैसे जैसे पकता जाता है वैसे इसे गाढ़ा होता जाता है इसको पकते हुए लगभग पक तीन से चार मिनट हो गए और इस तरह देखिए इसके अंदर बड़े बड़े बबल्स आ गए साइड से इसने घी को छोड़ दिया है इतना इसको हमने पका के तैयार करना है गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद भी एक से दो मिनट तक इसी कढ़ाई के अंदर इसको चलाते रहते हैं फ्लेम को बंद करने के बाद जब आप एक से दो मिनट तक इसको इस तरह से चला लेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये काफ़ी थिक हो गई है अब हमने एक थाली ले लिया थाली के ऊपर पहले हमने देसी घी लगा के तैयार कर लिया था अब पूरे मिश्रण को इसके अंदर डाल देते हैं डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं आप चाहें तो इसको गोल शेप में फैला लीजिए या फिर इसको चौकोर शेप में भी फैला के तैयार कर सकते हैं इस तरह एक कटोरी की सहायता से हमने इसको चारों तरफ फैला देना है और देखिए चौकोर शेप में इसको हमने फैला के रख लिया दस 10 मिनट तक इसको ही रहने देते हैं। दस मिनट बाद इसको चाहे सेप में आप काट के तैयार कर लीजिए हमने इसको चौकोर सेप में काट के तैयार किया है और इस तरह देखिए तरबूजे के बीज की बर्फी बन के तैयार हो गई ये बर्फी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई गर्मी के सीजन में एक बार आपने इस तरह से बर्फी बना ली तो अंदर से बर्फी ठंडक देने वाली होती है और आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने बर्फ़ी बनाई तो आपको कैसी लगी स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए हेल्दी बनाइए हेल्दी खाइए आपने इतना कीमती से मैंने कहा कि हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया